हेलो फ्रेंड्स, पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड 10th का अलजेब्रा और ज्योमेट्री का क्वेश्चन पेपर पैटर्न किस तरीके से रहेगा। उसमें हमने डिस्कस किया था कि क्वेश्चन 1 के सेक्शन ए और बी टोटल मिला के 8 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और वो स्टैंडर्ड 9th के बेस पे होंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अलजेब्रा का एक्चुअल बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन पेपर किस तरीके से रहेगा। चलो हम देखते हैं। लेफ्ट कॉर्नर में दिया है टाइम 2 आवर, राइट कॉर्नर में दिया है मैक्सिमम मार्क्स 40, यानी कि अलजेब्रा का जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है वो 2 आवर का होगा और उसके लिए मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, 40, ये सभी को पता है। फिर उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे, जैसे कि यहाँ पे दिए हैं ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, यूज ऑफ द कैलकुलेटर आर नॉट अलाउड। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे जो कि आपको पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग चलना है। फिर हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चंस किस तरीके से होंगे। क्वेश्चन 1 जो है, क्वेश्चन 1 ए और बी सेक्शन में डिवाइड है। क्वेश्चन 1 है अटेम एनी 4 सब क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए, जैसे कि यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिए है, उसमें से आपको कितने सॉल्व करना है, 4 सॉल्व करना है। और उसके लिए मार्क्स हुए, ये मार्क्स यहाँ पे दिए हैं 4 मार्क्स, यानी कि आप 4 क्वेश्चन सॉल्व करो और उसके लिए मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, 4 होंगे, यानी कि हर क्वेश्चन के लिए ईच के लिए कितने मार्क्स हो जाएंगे, 1 मार्क्स हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का है, यानी कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया है सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट, राइट दी सेट बाय यूजिंग लिस्टिंग मेथड। यदि आपको लिस्टिंग मेथड पता है तो आप कॉम्प्लीमेंट वर्ड को सेट में कन्वर्ट कर सकते हो। सेकंड, मल्टीप्लाई -2a एंड 5 स्क्वायर, इनको क्या करना है, हम मल्टीप्लाइड कर देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये -2 × 5 यानी कि -10 हो जाएगा और a और a स्क्वायर यानी कि a क्यूब हो जाएगा, तो -10a³ इसके आंसर हो जाएगी। ये जनरल क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन 3rd में दिखा है सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फॉर गिवन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी है और उस स्टेटमेंट को हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। यहाँ पे लिखा है अ पर्सन हैज अर्न हीज इनकम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2017-18, हीज असेसमेंट ईयर इज। यदि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग पता है तो उसके आधार पर आप इसका आंसर दे सकते हो। फिर है फाइंड मीन ऑफ द नंबर 25, 30, 27, 23, 25। फिर है स्टेट द ऑर्डर ऑफ शर्ड दिस वन एट द गिवन पॉलिनोमियल, ये 2 पॉलिनोमियल दिए हैं और उनके क्या करना है, हमें एडिशन करना है। फिर क्वेश्चन बी, ये क्वेश्चन 1 का है, यहाँ पे दिया है अटेम एनी 2 सब क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए है, उसमें से आपको क्या करना है, 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसके लिए मार्क्स कितने, 4 मार्क्स, यानी कि ईच की बात करते हैं तो ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए हो जाएगा, ये 2 मार्क्स के लिए हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन 2nd। क्वेश्चन 2nd ये जो है उसका ए पार्ट, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, और ये कितने मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स, यानी कि ईच की बात करते हैं तो हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए है, और एक और ये कंपलसरी क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होंगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन 1 दिया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 8, -3, 2 और 4, इसका डिटरमिनेंट आपको निकालना आता है, ठीक है, तो इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। द टैक्स लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ट्रेडिंग विद इन स्टेट इज। देखो यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए टैक्स दिया जाता है वो कौन सा टैक्स होता है, ये भी आपको पता होगा। विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी। देखो यहाँ पे ABCD 4 ऑप्शन है और उसमें से बताना है आपको कि कौन सा प्रोबेबिलिटी शो नहीं करेगा। तो आपको पता होगा कि प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से अधिक नहीं हो सकती, तो इसका ऑप्शन आप डायरेक्टली बता सकते हो कि ये कितना हो सकता है, 2.5। उसके बाद है फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन APR हुज फर्स्ट टर्म इज -2 एंड कॉमन डिफरेंस इज -2,
यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिए है और कॉमन डिफरेंस दिया है, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट फोर टर्म्स निकालना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, ये भी आपको पता ही होगा। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन सेकेंड का ही है और ये सेकेंड का बी है, जिसके लिए मार्क्स है 4 और ईच की बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 मार्क्स का, क्योंकि यहाँ पे दिया है अटेम्प्ट एनी 2 सब क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो ये बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे दिया है फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व 5x² + 13x + 8 = 0 यूजिंग फार्मूला। देखो फार्मूला मेथड आपको पता होगा कि कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम फार्मूले के बेस पे किस तरह के सॉल्व करते हैं। उसके बाद सेकेंड है यहाँ पे राइट एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग a = 6 d = -3। देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपने सॉल्व किए होंगे, a = 6 है, d = -3, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म हमें क्या करना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालना है। फिर थर्ड है इफ वन डाई इज रोल्ड देन व्हाट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक डाई को रोल करना है और उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है। यहाँ पे कुछ कंडीशंस दिए, पहले कंडीशन है नंबर ऑन द अपर फेस इज प्राइम और सेकेंड दिए नंबर ऑन द अपर फेस इज इवन। तो जैसे क्वेश्चन दिया है उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन 3 के बारे में। क्वेश्चन 3A यहाँ पे दिया है कंप्लीट एनी 2 एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग। जो आपके टेक्स्ट बुक में कुछ एक्टिविटीज दी है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, ये जो बॉक्सेस है उनको फिलअप करना है। जैसे यहाँ पे दिया है कि फर्स्ट टर्म एंड अ कॉमन डिफरेंस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 6 और 3 रिस्पेक्टिवली, फाइंड S27। और S27 को निकालने के लिए यहाँ पे कुछ क्या दिया है, फ्लो दिया है, उस फ्लो में कुछ यहाँ पे बॉक्सेस दिए और उन बॉक्सेस को बॉक्सेस में आपको क्या करना है, वैल्यूज पुटअप करना है। तो ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3A, यहाँ पे क्या करना है, कंप्लीट एनी 2 एक्टिविटी। यहाँ पे 3 एक्टिविटीज दिए, उसमें से आपको 2 एक्टिविटीज कंप्लीट करना है और हर एक एक्टिविटी के लिए टोटल मार्क्स कितने हैं, 2 मार्क्स है और दोनों एक्टिविटी के लिए कुल मिला के 4 मार्क्स है। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन 3rd का बी क्वेश्चन। क्वेश्चन 3rd का बी क्वेश्चन में दिया है अटेम एनी 2 सब क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें भी ईच के लिए हम क्या करेंगे, 2 मार्क्स देंगे और यहाँ पे टोटल है 4 मार्क्स, यानी कि 4 मार्क्स के लिए आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हर एक के लिए कितने, 2 मार्क्स। यहाँ पे देखो सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। देखो यहाँ पे ग्राफिकली आपको सॉल्व करना है, 2 इक्वेशंस दिए 3x - 4y = -7 और 5x - 2y = 0। सबसे पहले तो हमें टेबल बनाना पड़ेगा, x y की वैल्यूज निकालने पड़ेंगे दोनों इक्वेशन के लिए, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ। फिर सेकंड है मार्केट वैल्यू ऑफ ए शेयर इज ₹200, इफ द ब्रोकरेज रेट इज 0.3% देन द फाइंड द परचेज वैल्यू ऑफ द शेयर। हाँ ये क्वेश्चन जो है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग के अकॉर्डिंग है, यहाँ पे मार्केट वैल्यू दिए, ब्रोकरेज दिया है और हमें क्या करना है, परचेज वैल्यू ऑफ द शेयर निकालना है। फिर उसी क्वेश्चन में यहाँ पे क्वेश्चन 3rd के बी में यहाँ पे 3rd क्वेश्चन दिया है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन। यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसको हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन से उसको सॉल्व करना है। तो आई होप आपको पता होगा फैक्टराइजेशन किस तरह से करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 4th के बारे में हम बात करते हैं। क्वेश्चन 4th है अटेम एनी 3 सब क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे कितने क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन होंगे और आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है और यहाँ पे मार्क्स कितने, मैक्सिमम मार्क्स है उसके लिए 9, यानी कि ईच की बात करते हैं तो हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए हो जाएगा, ये 3 मार्क्स के लिए हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन 4th के आगे वाले क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे 4 क्वेश्चन होंगे, उन 4 में से आपको क्या करना है, 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद क्वेश्चन 5 पे आते हैं। क्वेश्चन 5 में दिया है अटेम्प्ट एनी 1 सब क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, इस 2 क्वेश्चन में से आपको क्या करना है, ओनली 1 सॉल्व करना है और उसके लिए मार्क्स कितने होंगे, 4 मार्क्स, यानी कि 1 सॉल्व कर दो और ये मार्क्स हो जाएंगे 4। इस 2 में से आपको क्या करना है, 1 क्वेश्चन सॉल्व करना है 4 मार्क्स के लिए।
उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन सिक्स। क्वेश्चन सिक्स में क्या करना है, अटेम एनी वन सब क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग और इसके लिए मैक्स से 3 मार्क्स। यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए हैं, इस दो में से आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसके लिए मार्क्स होंगे 3। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर जो है 40 मार्क्स के लिए सॉल्व करना है। पहला फर्स्ट ए और बी ये जो है 9th के लिए है और बाकी जो टोटल 6 क्वेश्चन तक के जो क्वेश्चन है वो होंगे स्टैंडर्ड 10th पे, यानी कि 32 मार्क्स स्टैंडर्ड 10 पे होंगे और 8 मार्क्स होंगे वो स्टैंडर्ड 9th के होंगे। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पेपर किस तरह किस रहेगा ये समझ में आया होगा। यदि आपको ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना है, तो नीचे दिए गए लिंक से आप क्या कर सकते हो, इसके PDF डाउनलोड कर सकते हो और ये क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करके देख सकते हो। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।